तो भाई वीक टू का जो टावर है ना भाई, अब ये खेलेंगे भाई। पिछला मैंने कंप्लीट कर दिया था, 1000 मुझे इसमें रिवार्ड मिले थे। तीसरा भाई बहुत सारे हैं, बतिस्ता का भी है, बहुत सारे भाई आगे बहुत सारे पड़े हैं, तो मुझे ये सारे कंप्लीट करने हैं। बहुत सारे टावर भाई, बहुत सारे एक्सप्लोर करने पड़े हैं भाई। तो मैं आज जो सेकंड वीक का जो टावर है ना भाई, 5 मैच मुझे इसमें खेलने हैं, तो इसको कर दे भाई। मेरा ओपोनेंट ये रहेगा 72। इसमें थोड़े से भाई ओपोनेंट हैवी हैं, क्योंकि इसमें ये देखो भाई, पहला मैच जो है ना वो 1-on-1 मैच रहेगा मुझे, और दूसरा भी 1-on-1 है, तीसरा भी 1-on-1 मैच है। ये टेबल्स मैच है और ये 2-on-2 मैच रहेगा भाई। तो पहला मैच खेलते हैं और इसमें मैं किसको लेके जाऊं भाई। मेरा ओपोनेंट सबसे ज़्यादा भाई निकी ऐशा है, जिसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसमें। मैं इसमें अपग्रेड पता नहीं भाई किसी को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अपग्रेड करने का ऑप्शन पता नहीं है। चलो मैं इसके बाद देखूंगा। तो निकी ऐशा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। पहला मैच देखता हूँ कि इस वीकली टावर का मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तो भाई वीडियो को जो है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। तो भाई मैच होने वाला सर, ये ऑनलाइन है भाई, सारे के सारे मैचेस जितने भी हैं ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन मैचेस हैं। इसको तो मैं कूट काट के पीट दूंगा भाई। इसकी मुझे सबसे पहले बस हेल्थ डाउन करनी है, सिग्नेचर फिनिशर लगाना है, टाउंट देना, और भाई उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। इसका छोड़ने वाला नहीं हूँ। थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ी बहुत ही मुझे इसको जीतने समझ आ चुका है भाई। माई फैक्शन को जीतना कैसे, अब ये इजी वाले हैं, आगे आगे चल के भाई मुश्किल वाले भी आने वाले हैं, मुश्किल वाले भी हैं आगे, इतना आसान नहीं है। अभी तो पहला दूसरा टावर आई है, तो बहुत मुश्किल रहेगा जीतना। अब ना 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 ना, अब ये मुझे मारेगी। ये ऑनलाइन है भाई, प्लेयर जितने भी है ना ये सभी ऑनलाइन है, 1-on-1 मैच है ये। ये ले, इसको तो मैं अभी आसानी से हरा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसका खेल खत्म है, 2-4 फटके और लगे खत्म खेल। सबमिशन मूव लगाऊं, मैं सोच रहा हूँ कि सबमिशन मूव लगा दूं इसको, ताकि इसकी हेल्थ और जाए। चल खड़ी हो जा भाई। अरे किधर जंप कर रहा हूँ यार मैं। अल्टीमेट भाई ने किया शाबे। अरे भाई कैसे लगता है यार सबमिशन मूव, लगा दिया लगा दिया, लगा तो दिया मैंने। चलो टैप आउट तो नहीं किया इसने, लेकिन भाई सिग्नेचर आ गया मेरे पास, और अब मैं सोच रहा हूँ इसको सिग्नेचर दे के इसकी कहानी खत्म की जाए। बस रिवर्स मत कर देना भाई मेरा सिग्नेचर, और रस्सी से दूर गिरना। रेजिलेंस यूज कर ली। चल फिनिशर खाने के लिए तैयार हो जा, अब की बार तो गई है। चलो गया, खेल खत्म, पहला मैच में जीत गया। चलो पहला मैच मैंने जीत लिया भाई। सेकंड टावर है मेरे, वीक सेकंड का टावर है, और सेकंड मैच मैंने जीत लिया। अब नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। चलो यार ये विनिंग सीन बाद में दिखाते रहना। 6 वीकली विनर भाई, 10 हो जाएंगे मुझे लग रहा है, और मुझे 1000 रिवार्ड अलग से मिलने वाला है। तो मेरे मुझे कोई बढ़िया सा कार्ड फिर ओपन भी करना है। मुझे भी कार्ड ओपन करने का मुझे नहीं पता कि कैसे ओपन करते हैं, मतलब ओपन करना है लेकिन अभी कौन सा ओपन करना चाहिए इतना मुझे नहीं पता है। 175 मिल चुके हैं, 9000 तक पहुंच चुके। अब सेकेंड भी 1-on-1 है, और इसका जो ओवरऑल है भाई वो थोड़ा सा ज़्यादा है मुझसे। निकी आशा तू ही जाए। चलो सेकेंड मैच होने वाला भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। ये माई फैक्शन है, ऑनलाइन मोड है भाई ये WW2K23 का। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है इसको खेलने में मुझे। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीकली टावर्स का। तो ये सेकेंड मैच होने वाला भाई वीकली टावर का, तो इसको भी मैं जल्दी से जल्दी हराने की कोशिश करूँगा। टेबल मैच में थोड़ा सा ट्रिकी रहता जीतना। अबे यार इसको भी पता था कि मारूंगा मैं, तो इसे पहले से ही डोज करके खड़ी हुई थी। ये डकोटा भाई, ये डकोटा बहुत ख़तरनाक है। इसका ओवरऑल 72 है। चलो रिवर्स कर दिया मैंने, अब इसको मौका देना नहीं है बस। इसकी भी हेल्थ डाउन करके बैंड बजा देनी है।
चल यहाँ से, मैं सोच रहा जंप भी कर ही दूँ इसके ऊपर। हेल्थ बहुत जाती है ना उससे। अब टोंट भी कर लेते हैं। हाँ इस टोंट करने से ना अभी 15 मुझे मिल जाएंगे बस। चल अब इसको भी मार पड़ने वाली है बहुत। रेड में तो पहुंचा दी भाई मैंने इसकी हेल्थ। हेल्थ तो गई। इसको तो सबमिशन भी लगाऊंगा मैं। एक बार फिर से सेम मूव। हेल्थ तो जा रही है बस। हेल्थ हेड मैंने डैमेज कर दिया इसका। हेल्थ जा रही है इसकी। अभी इसने रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया। अब तो रिवर्स कर दिया इसने। रिवर्स भाई मैंने अच्छा कर, रिवर्सल काफी अच्छे हो चुके हैं अब मेरे। चल सिग्नेचर पड़ा। अगर रिवर्स मत करना बस, बाकी रेजिलेंसी गई। फिर इसके बाद रेजिलेंसी गई। बिना रेजिलेंसी के लिए किक आउट नहीं कर पाएगा बंदा। रेजिलेंसी गई भाई इसकी। चलो अब मेरा फिनिशर खाने के लिए तैयार हो जाओ बस। चलो फिनिशर के लिए तैयार हो जाओ और रिवर्स मत करना बस। मेरा फिनिशर भी मत छीनना, ठीक है? तो बहुत बढ़िया लगेगा। चलो पड़ गया, रिवर्सल भी नहीं किया और पिनफॉल हो जाएगा भाई। सेकंड मैच मैंने जीत लिया। अबे किक आउट कैसे कर दिया भाई इस बंदे ने। इतनी सी हेल्थ में भाई बंदा किक आउट कर गया। अल्टीमेट है भाई। हैट्स ऑफ, मेरे से भी बढ़िया खेल रहा भाई। मैंने भले ही कितना बढ़िया मर्जी खेला लेकिन इस बंदे ने बहुत बढ़िया खेला भाई। बहुत अल्टीमेट। अबे यहाँ भी रिवर्स कर गया भाई ये बंदा। रिवर्स भाई, किक आउट देखो बंदे ने कहां से किया था। रेफरी फटाफट कर काउंट। अब इसको किक आउट मुझे लगा फिर से करेगा ये। अब की बार नहीं कर पाया लेकिन भाई हैट्स ऑफ इस बंदे को। जो भी था ऑनलाइन बहुत भी जो भी खेला भाई बहुत बढ़िया खेला। इतनी कम हेल्थ में रिकवर करना और एक किक आउट कर देना भाई बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने प्लेयर्स को अपग्रेड पता नहीं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं पता। चलो विनिंग सीन दिखाओ यार, बहुत हो गया। चलो आगे चलो। सेवन मेरी विंस हो चुकी हैं वीकली। अभी 3 विंस और चाहिए भाई। जो सेकंड मैच था, अभी 3 मैच मुझे और जीतने हैं इसी मोड के अंदर, इसी टावर के अंदर 3 मैच और हैं। तो मजा आ गया भाई वीकली टावर। तो आप लोगों को ये गेम प्ले कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। 193 रिवार्ड यहाँ पे मिला। 9200 अगर ये जीता ना मैं। 1-on-1 मैच है और इसको भी चलो कर लेते हैं। इमराल्ड प्लेयर है ये भी। निकी आशा तू ही जाएगी आगे क्योंकि तूने अभी तक तो अच्छा किया। चलो जो विनिंग प्लेयर है भाई उसको फाइनल तक तो लेके जाना ही है। तो खेलेंगे अच्छा। और ये वाला भी वीकली टावर तीसरा मैच है। तीसरा मैच भी मुझे जीतना पड़ेगा जैसे तैसे करके। अब इसको भी हराना पड़ेगा। 72 और मेरा 62 है भाई, इतना कम। अब की बार ये भी पहले से डोज करके खड़ी हो जाएगी, देख लेना। ये देखो डोज इसने पहले से कर दिया था। डोज ये ना पहले से कर देते हैं भाई। ये ऑनलाइन है बंदे, कंप्यूटर की तरह नहीं खेलते लोग। ये मतलब कुछ भी हुआ तो भाई मतलब कि कुछ करना ही नहीं है। डोज करते हैं, बहुत सही खेलते हैं बंदे। पिछले वाले मैच में ना भाई उस बंदे ने क्या किक आउट किया था, अल्टीमेट था। बहुत बढ़िया खेला वो बंदा। हैट्स ऑफ, मैं तो खुद ही भाई खेल, मेरे से भी बढ़िया खेल के गया। अदर मैं अगर उसकी जगह होता ना तो भाई मैं बिना रेजिलेंसी के मैं किक आउट नहीं कर पाता। मैं खुद बता रहा हूँ मैं नहीं कर पाता। अबे रिवर्स कर दिया आपकी बात। अब की बार तो इसको हिट करना है, हिट देनी है इसको। मैं इसको ज़्यादातर हार्ड स्ट्राइक कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग वाली। लाइट नहीं करता मैं ज़्यादातर क्योंकि उससे यार डैमेज कम ही होता है। इसमें मुझे 30 चाहिए। निकी आशा भी ऐसे तो अच्छा ही खेल रही है। बहुत बढ़िया, इसकी भी हेल्थ बस गई। अबे रिवर्स कर दिया। इसको एक सुप्लेक्स दे देता हूँ मैं, सोचा।
यहाँ से एक, चलो एक इसके ऊपर एक डाइव कर देते हैं, हेल्थ बहुत जाएगी उससे इसकी। अब मैं रिंग में चलता हूँ, बस बहुत हो गया। अब अपने एक टोंट परफॉर्म करते हैं ताकि एमएफपी जो है उसको अर्न करना है। 15 आ गए और अब एक और टोंट मैंने दे दिया तो अब मेरे पास 30 हो जाने चाहिए। हो गया 30। चलो आओ भाई जल्दी से रिंग में, मेरे पास सिग्नेचर फिनिशर आ चुका है, मुझे फिनिशर देना था यार। अबे यार अभी मैं बताता हूँ इसको, एक बार मुझे उठ जाने दे फिर देख। अबे मुझे लग रहा है कि अपने सिग्नेचर मीटर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा बहुत हो गया, चल बहुत मार लिया तूने मुझे। चल ये ले, बहुत मारा था तूने मुझे, अब मैं देख तेरी बैंड बजाता हूँ। चल खड़ी हो, चल बेटा खड़ा हो जा, बहुत मारा तूने मुझे। एक और डाइव करूँगा तेरे को। अबे नहीं गलत जगह डाइव कर गया। अबे चल इसको मैंने रिंग में लेके चलने वाला हूँ। चल रिंग में चल, बहुत हो गया। सिग्नेचर खाने के लिए तैयार हो, जिसके पास भी सिग्नेचर है लेकिन मुझे बचना पड़ेगा। रिवर्स मत करना, बस एक सिग्नेचर तो लगा। पिनफॉल, ये रेजिलेंसी गई भाई इसकी, रेजिलेंसी गई, रेजिलेंसी यूज करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। चल सिग्नेचर खाने के लिए तैयार हो जा ना, फिनिशर है मेरे पास। और बस रिवर्स मत करना ठीक है, बाकी सब मैं कर लूँगा अपने आप। और रस्सी भी मत पकड़ना, रस्सी से दूर रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे लग रहा है ये किक आउट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया भाई। मैं 3 मैच जीत गया और अभी 2 मैचेस और बचे हैं इस वीकली टावर के। अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है, अब अगले 2 मैचेस थोड़े टफ होने वाले, क्योंकि लास्ट का जो मैच है ये होने वाला है भाई, अभी सेकेंड लास्ट मैच ये होने वाला है। ये टेबल्स मैच है भाई, तो मुझे अपने आप को स्टंट तो बिल्कुल नहीं होने देना। और वो कॉर्नर में टेबल सेट करना, याद रखना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, बीच में टेबल नहीं सेट करना, कॉर्नर में टेबल सेट करके फिर मैचेस जीतना है। लगभग 12 मिनट का वीडियो हुआ है अभी तक, इसमें मुझे 213 एमएफपी मिले हैं, तो 9400 तक मैं पहुंच गया हूं। चलो भाई टेबल्स मैच, अब ये भी भाई टफ ओपोनेंट है निकी आशा। चलो विनिंग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नहीं है, एक सिंगल ही प्लेयर है, तो भाई चलते हैं आगे वीकली टावर्स में। भाई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, खुद मैं खेल रहा हूं ना इस गेम को ऑनलाइन, ऑनलाइन बंदों के साथ खेलने में भाई एक्सपीरियंस अलग ही। अगर आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे ना भाई उतना मज़ा नहीं आने वाला, अगर आपने ऑनलाइन खेल लिया तो मज़ा बहुत आने वाला है। मुझे इसमें कोई बढ़िया से प्लेयर्स का कार्ड चाहिए। ये देखो भाई ये बंदे पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके रखते हैं। इसको मुझे, इसकी हेल्थ मुझे डैमेज करनी है जल्दी से जल्दी, हेल्थ डैमेज करके सिग्नेचर फिनिशर लाना। और अगर ये स्टंड हो जाता है तो बहुत अच्छा, अभी नहीं इसके ऊपर टेबल तोड़ने की कोशिश करनी, क्योंकि अभी एक्टिव है और हेल्थ बहुत ज़्यादा है भाई इसकी, तो ये रिवर्सल भी बहुत करेगा, तो हेल्थ डैमेज करनी है सबसे पहले। निकिता लियोन्स, लियोन्स भाई इसको सुन के कुछ और ही नाम याद आ रहा भाई मुझे, आजकल लोग सनी देओल को भूल गए और उनको वो जिनका मैं बस ज़्यादा मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, समझने वाले समझ गए हैं। चलो कूट दिया भाई इसको, इनके एक्शंस बड़े ज़बरदस्त हैं, इसकी भी हेल्थ जा रही है, मुझे इसकी हेल्थ को डैमेज करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलो इतना स्टाइल मार लेते हैं, थोड़ा थोड़े एमएफपी इकट्ठे कर लेते हैं, दो तो कर लिए, अब मुझे सिग्नेचर फिनिशर भी देने हैं बस। अच्छा चल वेपन निकाल के ले आ, ले आ टेबल ले आ, मेरा काम आसान कर रहा है तू जो भी है, पर इतनी जल्दी नहीं बेटा, कहाँ लेके जाएगा अभी तो तेरे को सिग्नेचर फिनिशर भी पढ़ने वाला है, इतनी जल्दी कहाँ, इतनी जल्दी नहीं बेटा अभी नहीं, मेरे पास आने वाला बस सिग्नेचर, इसके बाद करूँगा मैं। अब अब की बार तो रिवर्स कर दिया भाई इसने, चल
फंसाने वाला सिग्नेचर। एक सिग्नेचर पड़ा, बस उसके बाद में कोशिश करूंगा एक स्टंट हो जाए। निकी आशा बहुत बढ़िया खेल रही है, चलो जल्दी से बस मेरा सिग्नेचर रिवर्स मत करना, रिवर्स मत कर देना, बस रिवर्स मत करना। चलो खेल खत्म इसका, और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिनिशर भी लगा ही दूं ताकि स्टंट हो जाए तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद मुझे अबे मेरा फिनिशर छीन लिया, मेरा फिनिशर छीन लिया इसने। बस ये टेबल ना टूट जाए भाई, मेरे ऊपर ना टूटे, फिनिशर देगी मुझे पक्का। बच के रहना भाई, बच के रहना पड़ेगा ये टेबल मैच में ना, बस बहुत बच के रहना पड़ेगा। टेबल सेट कर रही है ये, अबे मेरे को टेबल से मार दिया भाई, अब खतरे में हूं मैं। अबे चलो ठीक है, मैंने इसको मारा, कॉर्नर में टेबल सेट करता तो बहुत बढ़िया रहता। अब की बार ना भाई टेबल सेट करने में मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करने, बिना फिनिशर दिए इसको ज्यादा पंगा नहीं लेना, फिनिशर देके स्टंट करने के बाद ही मैं करूंगा भाई, अभी नहीं, रिस्क नहीं लेना। पर इसके पास भी फिनिशर है, वो मेरे लिए डेंजर है। बहुत खतरा है भाई, मुझे बच के रहना पड़ेगा इस मैच में। एक जंप कर दूंगा इसके, नहीं अभी कोई फायदा नहीं जंप करने का, मैं सोच रहा हूँ कि अगर स्टंट हो जाए तो बहुत मजा आएगा, ये मुझे हिट ना कर दे बस। अब इसको मौका मिल गया ना भाई, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे 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 भाई बहुत ही खतरनाक मूव है इसके, अब ये ना छोड़ेगी भाई मुझे। अबे रिवर्सल, रिवर्सल कहाँ गया भाई, ये फिर से टेबल सेट करेगी। अब मौका नहीं देना भाई किसी भी तरह से, अबे यार फिर से भाई बहुत रिवर्सल कर रहा है ये बंदा। एक हिट और मेरे पास सिग्नेचर फिनिशर आ जाएगा मेरे पास, फिनिशर आ गया। मैं सोच रहा फिनिशर तो लगा ही दूंगा इसको, इसकी हेल्थ ताकि डाउन हो जाए। रिवर्स मत कर देना फिनिशर, बस रिवर्स मत कर देना। चलो स्टंट हो गई, अब इसको स्टंट उठाते उठाते भाई मेरे को काम करना है जल्दी से। चल टेबल की तरफ कर जल्दी, रिवर्स मत कर सक, रिवर्स तो कर ही नहीं सकती है। चलो बस गया गया टेबल मैच भाई, लास्ट रिवर्स मत करना, बस जीत गया भाई। मैंने चार मैच जीत लिए, अब एक मैच जीतना मुझे, फाइनल मैच जीतना मुझे, और वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है। बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा भाई, हेल्थ डाउन करनी पड़ेगी ओपोनेंट की, और जो मुझे नहीं पता है कि सामने वाला ओपोनेंट जो है वो कितना पावरफुल आने वाला है, कुछ नहीं कह सकते भाई। अब दिल की धड़कन भाई थोड़ी सी फास्ट हो रही है मेरी, अब लास्ट मैच है भाई, वीक टू का जो टावर है मैं उसको जीतने से सिर्फ एक मैच दूर हूँ भाई। आपको ये मैच कैसे लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीकली टावर भाई टेबल्स मैच, अरे नहीं 2-on-2 मैच है भाई, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, एटलीस्ट 75 MFP मुझे जीतना है। 15 चौके 60 तो इसी में हो जाएगा, मैच बोनस विन वन मैच 40 बैजेस। अरे भाई ये क्या भाई बैजेस का चक्कर मुझे नहीं पता। पावर हाउस हैंड्स ऑन लैंड ऑन 10 अटैक्स, ग्रैब अटैक्स मुझे 10 करने हैं, लैंड हैवी अटैक्स 10 करने हैं, टोर्जो को डैमेज करना, स्ट्राइक्स 25 भाई, इतनी सारी करनी है। टेक्नीशियंस जनरल के लिए मैं इसमें क्या हूं, कंप्लीट रिवार्ड भाई मुझे मिलने वाला है इसमें। जनरल तो मुझे ये करना है, पावर हाउस के लिए मुझे इतना करना है, स्ट्राइक्स के लिए मुझे 25 ही करनी है, हाई फ्लायर्स के लिए मुझे 3 स्प्रिंग बोर्ड स्टैक्स, रनिंग अटैक्स करने हैं, डाइव अटैक्स, रनिंग अटैक डाइव, आर्म्स को डैमेज करना है, लाइट अटैक्स करना है। और अब निकी ऐसा पता नहीं इसमें क्या है भाई, मुझे नहीं पता। स्ट्राइकर है क्या भाई, मुझे नहीं पता। जॉब ब्रेकर
10 लाइट अटैक करने हैं, 25, चलो लाइट अटैक भी करेंगे भाई, जो भी है करना तो पड़ेगा भाई। अब रनिंग अटैक्स करने हैं, डाइविंग अटैक्स 3 करने हैं, तो भाई देखते हैं क्या करना पड़ेगा भाई मुझे। एक बार मैं निकी आशा को देखता हूँ कि उसमें क्या है। निकी आशा किधर है भाई? अरे वीकली टावर में नहीं जाना था भाई मुझे। ये क्या है? स्ट्राइकर आई थिंक। एक तो ये अलेक्सा ब्लिस और ये दोनों स्ट्राइकर है, तो मैं स्ट्राइकर इसके देख लेता हूं एक बार। पावर, ये स्ट्राइकर है भाई। मुझे क्या करना है, 10 लाइट अटैक करने हैं और एक अपोनेंट के हेड को डैमेज करना, तो 15-15 तो मिल ही जाएंगे, और 15 चूंकि 60 और 15, 10 लाइट अटैक करने हैं मुझे और अपोनेंट के हेड को डाइज करना है, तो ये करना है मुझे। 25 लाइट अटैक करने और ये करना है, चलो कर देंगे भाई। चलो एक तो निकी आशा और ये अलेक्सा ब्लिस, इन दोनों को लेकर के जाऊंगा मैं। चलो मैच में चलते हैं, और मुझे लग रहा है टैग मैच होने वाला, क्योंकि दोनों बंदों को मैं एक साथ तो कवर नहीं कर सकता हूँ, तो ये टैग मैच होगा पक्का। और टैग मैच में जीतना भाई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाला जो है ना वो भाई पिनपोल छुड़ाने के लिए आता रहता है। चलो मज़ा आने वाला भाई इस मैच में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये कौन है भाई? इसको पहले डैमेज करना है मुझे, हेल्थ डैमेज करना है मुझे सबसे पहले, और हेड डैमेज करना, हेड को डैमेज करना होगा मुझे। लाइट अटैक भी करने थे मुझे 10। स्टंट होने वाली है, बहुत बढ़िया। अगर स्टंट हो जाएगी तो बहुत मजा आएगा भाई। मैं अभी वीकली टावर जीतने वाला हूँ, जीतूंगा ये मैच। इसको स्टंट करता हूँ पहले। अरे बाहर चली गई भाई। एक टाइपिंग अटैक भी कर ही देता हूं इसके ऊपर। अबे नहीं, गलत जगह चला गया मैं। अब ये मुझे नहीं छोड़ देने वाली है भी, तो भाई हाइट देखो किधर है भाई इसकी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे सिग्नेचर मीटर बढ़वाने के लिए। हेड डैमेज मैंने कर दिया इसका। सिग्नेचर आ गया मेरे पास। चलो सिग्नेचर भी मैं लगा देता हूँ, एक तो आ गया मेरे पास। सिग्नेचर लग चुका, पिनफॉल छुड़ाने के लिए आएगी, पक्का आएगी। नहीं आई, नहीं आए। चलो अच्छी बात है, नहीं आई तो बहुत बढ़िया बात है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा लगा। एक फिनिशर भी लगा ही देता हूँ मैं। अबे मेरा फिनिशर छीन लिया मैंने भी। एक सिग्नेचर, एक और सिग्नेचर पड़ने वाला है इसका। इसने मेरा फिनिशर छीना, मैंने सिग्नेचर छीन लिया इसका। अब इसको पढ़ने वाला सिग्नेचर, बस रिवर्स मत करना और ये मैच जीत जाऊंगा भाई मैं। अगर ये गई रेजिलेंसी है इसके पास, रेजिलेंसी यूज करेगी अभी ये। कर ली रेजिलेंसी यूज, फिनिशर भी खाने को तैयार हो जाओ भाई। मैच अगर मैं जीत गया तो, अबे नहीं अभी नहीं, फिनिशर मुझे अभी नहीं लगाना था। चलो फिनिशर लगा देता हूँ, लेकिन मैं पिनफॉल नहीं करने वाला, क्योंकि अभी मुझे ओपोनेंट को टॉन्ट भी करना है। हाँ ये भी कर लिया, अब 75 हो गया, अब मैं कर सकता हूँ पिनफॉल आगे बचाने के लिए। इसको भी पहले किनारे लगाने पड़ेगा, तब इसके पास फिनिशर है, बच के रहना पड़ेगा बहुत, इससे बच के रहना पड़ेगा भाई। अब तो रिवर्स कर दिया इसने, अब ये मुझे फिनिशर ना लगा दे बस। मैंने फिनिशर छीन लिया भाई, फिनिशर छीन लिया, मजा आया और दे दिया फिनिशर, दे भी दिया। अब खेल खत्म है, अब मैं इसका पिनफॉल कर सकता हूँ। चलो पिनफॉल कर ले भाई, 75 MFP मैंने जीत लिया। अरे रैन मौके पे बचा गए भाई, आके रैन मौके पे बचा गई आकर के। चलो अब डबल टीम करते हैं, बहुत हो गया। अरे भाई उधर कहाँ चले गए? कूट दिया भाई इसको तो, रख के कूट दिया, अच्छे से कूट दिया मैंने।
रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसको तो मैं टैग देने नहीं दूंगा, डबल टीम करके मारूंगा अभी इसको मैं। अभी तो नहीं छोड़ने वाला। निकी ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इस मैच को निपटा देगी। चलो डबल टीम हो गया, और इसमें तो भाई अगर टीम, मैं टीम फिनिशर लगाऊं भाई इसके अंदर, मैं सोच रहा हूं। पहली बार भाई इस मैच में एलेक्सा ब्लिस की एंट्री हुई है पूरे टावर के अंदर, पूरे टावर में एलेक्सा ब्लिस की एंट्री अब हुई है। स्टंट हो जाएगी अब। चलो स्टंट हो चुकी है, बहुत बढ़िया। चल बार, अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि पिन फॉल ही कर दो सीधा, शायद ये पिक आउट तो ना कर पाए। अरे बहुत चली गई, बढ़िया खेल रही है भाई मेरी टीम। पिन फॉल करूंगा इसको मैं, देखता हूँ अगर खुद से तो किक आउट नहीं कर पाएगी, इतना तो खुद से किक आउट नहीं कर पाएगी, इसको बचाने के लिए आएगी। चलो फिर से मारते हैं भाई इसको, अब की बार मैं इसको टॉप रॉप एक मूव दे देता हूँ। ये मैच मुझे जीतना भाई, अब यहाँ से तो मैं मैच को छोड़ने वाला जाने वाला नहीं है। टॉप रॉप सुपरलेक्स पड़ने वाला है इसको, चल आजा तू ही दे दे टैग, आज आप तेरी बारी है पिटने की, तेरे को कौन बचाएगा। सिग्नेचर आ गया मेरे पास, एलेक्सा ब्लिस का सिग्नेचर क्या है, मुझे लग रहा है कॉर्नर में ना हो, कॉर्नर वाला सिग्नेचर मुझे लग रहा है इसका। चलो उस कॉर्नर वाला सिग्नेचर देख के देखते हैं भाई, मुझे लग रहा है कॉर्नर वाला सिग्नेचर है इसका। फिनिशर आ गया, मैंने इसको टीम फिनिशर देने की कोशिश करूंगा, आने दो सामने वाले ओपोनेंट को। एक जो भी चल रहा है भाई, मजा आ रहा है। डबल टीम कर दिया मैंने, फिर टीम फिनिशर का ऑप्शन नहीं आया। एलेक्सा ब्लिस के पास निकी आशा के पास सिग्नेचर है, अब सिग्नेचर पढ़ने वाला है इसको। चलो सिग्नेचर आ चुका है, और बस रिवर्स मत करना, इसकी भी रेजिलेंसी गई अगर नहीं बचाने आए तो। चलो टीम फिनिशर की कोशिश करके देख तो रहा हूं भाई, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रहा। चलो टीम फिनिशर का ऑप्शन तो नहीं आया। चलो चार्ज्ड फिनिशर दे के देखते हैं, आ जा चल तू ही आ जा। अच्छा चलो 2000 फटके इसको भी लगाने दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो फिनिशर खा बस, अब तो सीधा फिनिशर खा। भाई मजा आ रहा है भाई, जो मर्जी कहो मजा आ रहा है, रियल प्लेयर के साथ खेलने में मजा बहुत आ रहा है। रिवर्स कर दिया, पिन फॉल नहीं होना चाहिए अभी तक, तो नहीं होना चाहिए, शायद हो ही जाए। चलो जीत गया भाई मैं, ये टावर मैंने डिफेंड कर लिया, मैं जीत गया भाई ये टावर के पांचों मैच, और 1000 रिवार्ड मुझे अलग से मिलने वाला है। तो मजा आ गया भाई, मजा आ गया ये मैच देख करके। वीकली टावर में जीतने में जो मजा है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको भी भाई अच्छा लगा हो तो। बहुत मजा आया मुझे मैच खेल कर, अल्टीमेट भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, ताकि भाई जब भी आपके पास नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।
तो माई टावर खेलने में भाई, मतलब कि माई फैक्शन में बहुत ज़बरदस्त है भाई। हम सिर्फ नॉर्मल प्लेयर्स के मूव करवाते रहते हैं, मैच करवाते रहते हैं, लेकिन भाई ये माई फैक्शन तो बहुत ही गजब का है। माई फैक्शन में मल्टी प्लेयर ऑनलाइन खेलने में भाई बहुत अमेजिंग मज़ा आने वाला है। आप ये जीत गया भाई, ये देखो उधर सबसे ऊपर, ये मुझे 10 वीकली अवार्ड्स में 1000 MFP मुझे मिल चुके हैं। 38 रिवर्सल अडाप्टर, मुझे दो रिवर्सल और करूँगा ना तो मुझे 38 दो और मिल जाएंगे। अब ये क्या भाई, कंप्लीशन लिस्ट, चलो MFP भाई मुझे अब की बार देखते हैं इसमें से मुझे रिवार्ड क्या मिलेगा। रोमन वाला कुछ लगा हुआ था कार्ड, अब देखते हैं कि इसके बाद कुछ रिवार्ड रूड मिलेगा क्या, कोई ब्रीफ केस कुछ तो भाई ओपन होना चाहिए इसके बाद, क्योंकि मैंने टावर जीता है तो भाई कुछ तो दो। 290, 10,000 क्रोस हो गया भाई मेरा और टावर कंप्लीट ये मिला है भाई। दे देना भाई, दे देना कंप्लीट रिवार्ड। अबे मिल तो गया है, मुझे मिल चुका है, अब मुझे ये रिवार्ड मुझे मिल चुका है। इसमें मुझे ये चार ये मिलेंगे, अच्छा इसमें बतिस्ता का कार्ड मिलने वाला मुझे। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ अनओपन्ड पैक्स हैं, चेक करते हैं भाई। मेरे पास दो पैक्स हैं अनओपन्ड, एक इसको ओपन करना है, एक इसको ओपन करना है। चलो मनी इन द बैंक सीरीज का जो डिलक्स पैक है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं भाई इसमें से क्या निकलता है। ओपन कर दिया मैंने, रूबी ये क्या निकला भाई इसमें से, कॉन्ट्रैक्ट्स निकले मेरे पास, सैमन वॉलपेपर निकला, अबे इमराल टेक्निकल मेरिट्स, चलो कुछ तो निकला भाई। अब देखते हैं इनका यूज़ क्या क्या है, मुझे पता नहीं है, ये इसमें से देखते हैं भाई कुछ तो गजब का निकलना चाहिए। कार्ड में से किस्मत होती है भाई, क्या निकल जाए कुछ पता नहीं है। बॉबी लेशली 62 सिल्वर कार्ड, वॉलपेपर निकला बॉबी लेशली, चलो अच्छी बात है भाई कुछ तो निकला। 62 मेरे पास अल्बा फायर निकली है और कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं तीन, चलो बहुत बढ़िया। 25 मेरे पास ये निकले हैं भाई रिवार्ड्स के अंदर, तो दो कार्ड्स थे मेरे पास जो मैंने अनलॉक कर दिए। अभी मेरे पास कोई भी पैक जो है वो नहीं है। सिग्नेचर सीरीज, अब इसमें ना भाई टोकन मार्केट गेट VC, नहीं VC मुझे नहीं चाहिए भाई, VC मुझे नहीं चाहिए ना भाई, पैसा नहीं खर्चना बिल्कुल भी, मैं आप लोगों को भी सलाह नहीं देता। हेडक्वार्टर्स, अबे यार यार बैक पुक ओपन तो होते हैं लेकिन यार कुछ मिलता तो है नहीं यार। इसमें कुछ पैक पड़े हैं, एक बार इनको एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ। सुपरस्टार कार्ड है ये, इसमें कंटेन 1 गारंटीड सिग्नेचर सीरीज सुपरस्टार एंड 4 रैंडम आइटम्स। इसके लिए मुझे 17,000 चाहिए, मेरे पास 10,000 है। इसमें भी सिग्नेचर सुपरस्टार्स कार्ड है भाई। इसमें क्या है, डेकोरेटेड सीरीज बेसिक कंटेन गारंटेड डेकोर, भाई मुझे डेकोरेटेड कुछ नहीं चाहिए। 1 गारंटेड पे बैक सीरीज, डेंजर जोन सीरीज, ये 11,900 भाई, मैं ज़्यादा पीछे नहीं हूँ वैसे इससे। चलो थोड़ा सा इकट्ठा करके भाई देखते हैं। अभी मेरे वाले जो है ना भाई उनका क्या करूं मैं, चलो माई फैक्शन को लीव कर, अरे गलत बाहर निकल गया भाई। मेरे जो प्लेयर्स हैं उनका भी तो मैं कुछ अपग्रेड वगैरह कुछ कर नहीं सकता क्या, मुझे देखना है कि मेरे प्लेयर्स को साथ में क्या कर सकता हूं। अपग्रेड अगर मैं कर सकूं तो बहुत बढ़िया, मैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर अगर उन्हीं का मैं ओवरऑल बढ़ा सका तो भाई इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। मुझे अभी पता नहीं है कि अपग्रेड कैसे करना है, मैं सीख करके आऊँगा भाई, मैं नया हूँ अभी इस चीज़ में माई फैक्शन में। तो स्क्रीनशॉट तो लेना बनता है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भाई जल्दी चलना यार, मैं काफ़ी देर से भाई माई फैक्शन की वीडियोज़ बनाते जा रहा हूँ और जल्दी मैं माई राइज की वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ। यार माई राइज की वीडियो को देख रहा नहीं है इतना यार, फिर बोलो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं माई राइज को। चैलेंजेस भी हैं, प्ले यार प्ले बाद में कर लेंगे, बहुत कर लिया आज के में। हाँ ये चाहिए मुझे माई फैक्शन मैनेजमेंट, हाँ यही ढूंढ रहा था भाई मैं, गेमिंग नर्सरी एड फैक्शन, क्या कुछ करना है क्या मेरे को।
इसको 3 कॉन्ट्रैक्ट 7 कॉन्ट्रैक्ट भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट का मुझे नहीं पता भाई क्या चक्कर है ये, मुझे नहीं पता। 3 आर्म पावर, मैं इनको अपग्रेड नहीं कर सकता क्या? मैन डिवीजन आर ट्रुथ, मतलब मैच लड़ने के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके पास, इसके पास कितने हैं? 7 9 12, भाई बहुत कुछ देखने का पड़ा है भाई, अभी तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। स्टिफनेस, डाइव बॉम्बर, अरे करूं क्या भाई इनका? इसको बढ़ा सकता हूं क्या मैं? चेंज मैनेजर, यार कर तो रखा है यार मैनेजर, इसी को ऐड कर रखा है यार भाई, कर क्या चल क्या रहा है भाई ये? चेंज मेंबर, सही तो चल रहा है यार, ये पावर हाउस है पर सबके लिए अलग अलग है। फाइंडिंग द चूजिंग मैनेजर विल बूस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपरस्टार कार्ड्स इन द परफेक्ट मैनेजर यूअल फैक्शन स्टाइल। ये करूं भाई, चल क्या रहा है भाई ये? एक ही तो मैनेजर है मेरे पास, चलो मुझे इनको वो भी करना है यार, अपग्रेड भी करना है मुझे, पर अपग्रेड कैसे कर पाऊंगा वो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इसमें मुझे। अब फैक्शन नहीं, फैक्शन तो यही रखना भाई, मुझे नहीं करना। अरे हटना यार, लाइनअप एडिट साइड प्लेट्स एडिट पे बैक, चलो एडिट पे बैक में कर सकता हूँ। एक तो मुझे रेजिलेंसी तो चाहिए चाहिए, और साथ में लो बिलो ले लेते हैं भाई। नहीं रेजिलेंसी ठीक है भाई, एक ही मुझे लग रहा है कि एक ही रहेगी, एक ही एबिलिटी है भाई। हाँ रेजिलेंसी सबके पास होनी चाहिए, रेजिलेंसी सही है, इसके पास भी रेजिलेंसी, क्योंकि रेजिलेंसी काम आने वाली है भाई मैच में, रेजिलेंसी काम आती है, रेजिलेंसी सही है। ओके यार, एक और भी तो मिला था मुझे, वो किधर है? कार्ड अनलॉक हुआ था ना यार, उसमें मुझे मिलता नहीं है अभी, वो किधर गया भाई मुझे भी नहीं पता। कोई प्लेयर तो कुछ तो निकला था यार उसमें। अच्छा ये है, ओके 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 भाई, आर्ट रूट 61 67, ड्रीम सीरो 57 62, ये रहा भाई बॉबी लैशली, तू आना रूबी, तू आ जा भाई, तू तो 83 वाला है ना, तू तो भाई हमारा सबसे बढ़िया बंदा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स 5 है इसके पास, मुस्तवाली के पास 62 है, इसकी जगह 62 बॉबी लैशली ले लेते हैं भाई, लेकिन मुस्तवाली भी अच्छा है, बॉबी लैशली को बन्नी, अरे बेटा तू आना, बैड बन्नी तू इधर पड़ा हुआ, तू लेटा हुआ भाई, रूबी कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं वुमेन डिवीजन में देखते हैं भाई। ये पावर हाउस है मेरे पास, ये 68 है, ये भी ले सकता हूँ मैं, इसको ले लेते हैं बैनिका, इसका 61 है, इसकी जगह देखते हैं 62 वाली ये ले लेते हैं एक भाई, ये तो बहुत मज़ेदार है इसका, इसको तो रखना भाई, एलेक्सा ब्रिज फेवरेट है मेरी तो अच्छी है। इनको अपग्रेड नहीं करने का ऑप्शन है क्या? ये बैजेस क्या, स्विफ्टनेस, यार अपग्रेड करने का ऑप्शन दो ना यार कहीं से मुझे। चलो मैंने इसको थोड़ा लाइनअप कर लिया, मैं ऑप्शन यही ढूंढ रहा था जो मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास बैड बननी और ये रूबी, वाह भाई वाह, अब आया ना मज़ा, इसमें से ये प्लेयर निकल रहा था, तभी मैं सोच रहा था कि जो प्लेयर निकल रहा था वो गया तो गया किधर, ये यहाँ से निकला है। इसकी एक मिनट में पे बैक, रेजिलेंसी है इसकी भी, बैड बननी
रेजिलेंसी, अब इनके साथ खेला करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, साइड प्लेट स्लॉट, साइड प्लेट क्या है भाई इसके साथ, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है मज़ेदार है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स का भी मुझे पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है, 5 कॉन्ट्रैक्ट, 13 कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है अभी देखता हूँ मैं। रीनेम में ना मैं इसका जो है ना जी बड़ा कर देता हूँ भाई, थोड़ा छोटा है, L3 गेमिंग कर देता हूँ, GAMING स्पेस देने के लिए क्या करना पड़ा, गेमिंग भाई मजा आ रहा है इसको देखने में, ऑनलाइन खेलने में भाई बहुत मजा आता है। गेमिंग नर्सरी जो मेरा चैनल है ना भाई, मैंने उसी के नाम पे ये रखा है। और कुछ भी मिला है क्या, वॉलपेपर भी कुछ मिला है, वॉलपेपर 22 भाई अल्टीमेट है, बैड बन्नी ये वॉलपेपर भी मुझे, लेकिन ये वाला मुझे सही लगता है एनिमेशन वाला। नेम प्लेट एक और मिल गई है मुझे गेमिंग नर्सरी की, चलो ये ले लेते हैं। एक स्टिकर देखते हैं भाई अगर कुछ मिला, रो का स्टिकर है, चलो अभी स्टिकर नहीं चाहिए भाई हम लोगों को, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा भाई सब कुछ। यार मैनेजर जो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन अभी इसको ऐड करें यार, फाइंडिंग एंड चूजिंग मैनेजर विल बूस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर स्टार कार्ड इन द योर फैक्शन, फाइंड द परफेक्ट मैनेजर फॉर योर परफेक्शंस फ्री स्टाइल। बैड बनने के साथ मैनेजर ऐड कर दें क्या, स्ट्राइकर अग्रेसिव मैनेजर लाइक सुपरस्टार हु अनरेलेंटिंग इन द सेट एंड टिपिकली विल बेस्ट टू प्रोफेसर, पावर हाउस के साथ सही रहेगा ये, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बॉबी लैशली रहेगा इसके साथ, लेकिन बॉबी लैशली के साथ फिर मुझे इसको हटाना पड़ेगा फिर। चलो बॉबी लैशली को ले आते हैं भाई यहाँ पे, हाँ इसकी जगह मैं बॉबी लैशली को ले आता हूँ। बॉबी लैशली का भी 62 है और इसका 68 है भाई, चलो मैनेजर ऐड करके देखता हूं मैं। कुछ फर्क तो पड़ा नहीं भाई तेरे को, मुस्तफा ही ठीक था भाई, इसके साथ कंपेटिबिलिटी गुड है। चलो देखते हैं भाई बॉबी लैशली को भी यूज करके, चलो अच्छा रहा भाई। तो आज का जो वीडियो है ना उसको आज लाइक ज़रूर कर देना भाई, बहुत मैंने एक्सप्लोर किया आज की वीडियो को, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और क्योंकि मज़ा आ रहा भाई मुझे तो भाई ये खेलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है माई फैक्शन। तो भाई मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तो बने रहना भाई हमारे चैनल के साथ।